फ्रेंड नमस्कार, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल जीके ट्रिक बाई ओंकार पर। आज हम लोग आपको थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम आपको ऐसा क्वेश्चन देने जा रहे हैं जो रेलवे या बैंक हो चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, जो कॉमन होता है, जो आपको बहुत ही सरल तरीक़ा से आपको हम आज बताएंगे। तो इस चैनल के माध्यम से आपको रोजाना इसी तरह से 10 10 मैथ का क्वेश्चन आपको रोजाना मिलते रहेगा। तो हमारा चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अगर बना लेते हैं तो आप किसी भी प्रश्न को आप लोग बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। इसको हम पहले समझ लेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप बोर्ड पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो हम चलते हैं कि 3 अंकों से बड़ी संख्या, तो यहाँ पर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम जानते हैं कि 999 होता है। 999 होता है। इसमें कह रहा है कि 6, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में हमको 3 बच रहा है। 3 हमको बच रहा है। तो देखिए हम ट्रिकी मेथड से आपको बता रहे हैं। तो ये तीनों का एलसीएम हम ले लेंगे, तीनों के एलसीएम हम ले लेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। हमारा 36 आ गया। तो 36 को हम करेंगे 999 में भाग। 999 में आप लोग भाग दे दीजिए 36 से। जो शेष आएगा यहाँ पर लिख दीजिए, शेष हमारा 27 आ गया। शेष हमारा 27 आ गया। अब देखिए जो शेष 27 आ गया, ये हमको आ रहा था शेष बच, जब शेष बचेगा तो हम इसमें जोड़ देंगे। शेष बचेगा तो हम जोड़ देंगे, शेष बचेगा तो लास्ट में हम जोड़ेंगे, पहले हम घटा लेते हैं। तो हम 999 में से 27 घटाएँगे और प्लस तीन जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 975 जो हो जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको हल कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से आपको इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन जाने से पहले हम कहेंगे कि हमारा चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग के बीच। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 61 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग आँख मूंद कर आप लोग बना सकते हैं। इसमें अब आप लोगों को कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इस ट्रिक से मदद से बनाइएगा तो आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि 5 औसत संख्या, तो हम क्या करेंगे कि 5 सीट बना लेंगे। 5 सीट हम बना लिए, 5 सीट बना लेंगे और इसका बीच का औसत कह रहा है हमारा कि 61 है। तो हम बीच का औसत जो है, बीच का अंक जो है हम निकालेंगे कि इधर से 2 है, इधर से 2 है, हमारा एक बीच में बच गया। तो यहाँ पर हम 61 हम लिख देंगे, यहाँ पर 61 लिख देंगे। और क्रमागत है तो 1 घटा दीजिए तो यहाँ पर 60 हो गया, इधर से 1 घटा दीजिए तो 59 हो गया, 1 1 माइनस करते चल गए। और इधर से 1 हम प्लस कर देंगे तो हमारा यहाँ 62 हो जाएगा, यहाँ से हम 1 प्लस कर दिए तो हमारा यहाँ 63 हो गया। तो इस तरह से हमको छोटी संख्या और बड़ी संख्या हमको आ गया। तो हमको दोनों बड़ी संख्या और छोटी संख्या के अंतर निकालना है हमको। तो 63 माइनस 59 हम कर दिए तो हमारा 4 आ जाएगा उत्तर। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो परीक्षा में आपको बहुत ही कम समय में आप लोग बना सकते हैं। तो आप मेरे तरफ से एक रेलवे के स्टूडेंट आपको बता रहा है कि आप लोग इस तरह से बनाइए, आपको बहुत ही सरलतापूर्वक आपको इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच। तो तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुना है, दोनों मिलकर एक उसी काम को उन लोग 28 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही आसानी से सरलतापूर्वक आपको बीच बनाएंगे, जो कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है। तो आप लोग नो कॉपी पेन के मदद से आप लोग इसको बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए ए की कार्य क्षमता ए और बी है, ए बी ए प्लस बी है। आप लोग इतना अगर लिख लेते हैं तो कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो इसको आपको लिखना आना चाहिए, इतना आना चाहिए आपको। 2 × 1 कितना होता है, 3 होता है। तो इतना आप लोग अगर कर लिए, दोनों कार्य करता है आपको 28 दिन में कर लेता है, तो 28 दिन में कर लिया है। तो इतना हमको कि 2x इसमें हम अगर x लगा देते हैं तो हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 28 × 3 कर लेते हैं, तो 28 × 3 हमको आ गया 8, 16, 24, 84 बराबर 2x, x हो गया।
तो अब अगर हमको कहेगा कि एक एक क्षमता निकालिए तो 2x बराबर 84 हो गया, x बराबर हमारा 42 हो जाएगा। x बराबर 42 अगर वही b के कहता तो डायरेक्ट हमको x बराबर हम 84 हमको इसको लिख सकते, हमको कोई दिक्कत नहीं था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाइए तो बहुत ही आसानी से आप लोग बनाइएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आपको इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपको मिक्सचर से रिलेटेड है। तो हमारा क्वेश्चन है कि 10 रुपये लीटर बिकने वाले 40 लीटर दूध को यदि पानी मिला दिया जाए तो दूध का मूल्य घटकर 8 रुपया हो जाता है। तो हमको आपको अनुपात निकालना है, पानी और दूध का अनुपात निकालना है। तो इस ट्रिक को हम इसको बिना ट्रिक के मदद से हम लोग आपको बीच बनाएंगे। तो इस ट्रिक को आप लोग देखिएगा कि फिर से आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिए कि 10 रुपये लीटर बिकने वाले 40 लीटर दूध में कितना पानी मिला दिया जाए कि दूध का मूल्य घटकर 8 रुपया हो जाए। तो हमको 10 रुपये लीटर हमको यहाँ पर मिल्क है और वाटर है। तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 रुपये लीटर है और वाटर को हमको मूल मालूम नहीं है। तो हम वाटर को हम जीरो कर देंगे और दोनों का अनुपात घट के हमारा 8 आ जाता है। 8 आ गया तो हम इसमें से अगर आपको घटा देंगे, इसको घटा देते हैं तो 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 और 0 में से 8 घटाएंगे तो 8। तो इसका अनुपात हो जाएगा 8:2। इसको अगर घटाते हैं तो हमारा 4:1 आ गया। तो हमारा दिया हुआ है कि 4 बराबर हमारा 40 दिया हुआ है। 4 बराबर 40 जो दूध का दिया हुआ है उसी तरह 1 बराबर हम निकाल देंगे कि 1 बराबर 40/4 = 10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो आप लोग रेलवे हो या बैंक हो या NTPC का मेंस एग्जाम में आप लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर करते रहिए और आगे हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आपके बीच। आपके अपना चैनल पर तो किसी आयत का लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा। ये सवाल परीक्षा में हमेशा आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम आपको आपके बीच हम बनाएंगे। तो हम चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमको कह रहा है कि आयत की लंबाई जो है 25% बढ़ रहा है, मतलब कि +25 है, और चौड़ाई जो है -20 घट रहा है। तो दोनों का हम जो हम इधर घटाए बढ़ाए उसको दोनों को हम गुना कर देंगे बटा में हम 100 कर देंगे। बटा में हम 100 अगर कर दिए तो यहाँ पर +25 में -20 किए तो हमारे आगे यहाँ पर 5 है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 5 बार में कैंसिल और 5 से 25 कट गया 5 बार में। तो 5 - 5 कर दिए तो हमारा 0 आ गया, 0 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हल होगा। तो आप लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। और अगला क्वेश्चन आप लोग को बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है। इस सवाल में आप लोग बहुत ही आसानी से कोई फंस जाता है। तो आज से आप लोग को कोई फंसिएगा नहीं। आज हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से ट्रिक की मदद से आपको बीज बताएंगे। तो आप इस खास कर ये आपको देखना है, इसको समझना है और बहुत ही रूट कौड़ा सवाल है कि कौन इसमें से बड़ा है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कि √2, √3 और √4 में कौन बड़ा है, ये क्वेश्चन हमेशा आपके बीच एग्जाम में आते रहता है। तो इसका आज हम आपको 100 ट्रिक देंगे जो बिना कॉपी पेन के आप मदद से आप इसको इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं और कभी नहीं इसको भुलाइएगा। तो आप ऐसा आपको हम अगर ट्रिक देने जा रहे हैं जो बहुत ही आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने जो हम लोग पहले मेथड से बनाते थे उस तरीका से आप लोग बेसिक तरह का बताएंगे और इसके बाद हम आपको हम फॉर्मूला की तरह से ट्रिक बताएंगे। तो हम लोग जैसे पहले बनाते थे कि √2 है तो ऊपर में 1/2 कर दीजिए, तो 3 है तो 1/3 कर दीजिए, 4 के ऊपर 4 है तो 1/4 कर दीजिए। ऐसे पहले हम लोग करते थे तो तीनों का ऊपर में जो 2, 3, 4 का LCM ले लेंगे तो LCM हमारा आता है 12। 2, 3, 4 का LCM 12, तो 12 से हम लोग कर देंगे तो 2 की पावर हो जाएगा 6, 3 की पावर हो जाएगा 4 और 4 की पावर हो जाएगा 3, 4 की पावर हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग बनाते थे तो 2 की पावर 6 करेंगे तो 64, 3 की पावर 4 करेंगे तो 81
और 4³ करेंगे तो 64। तो हमारा इसमें से हमको सबसे बड़ा हमको निकालना था, तो हमको छट गया कि 81 जो है सबसे बड़ा है, इसीलिए 3√3 हमारा आंसर होगा। तो इसका हम आज आपको शॉर्ट ट्रिक देने जा रहे हैं जो वो यूट्यूब के इतिहास में सबसे पहली बार होगा। तो इस चैनल को आप लोग इतना फैला दीजिए कि आपको सभी के पास ये, सभी स्टूडेंट के पास ये आपको ट्रिक फैल जाए। तो इस तरह से आप लोग फैलाते रहिए, तो हम आज आपको भी ट्रिक बताने जा रहे हैं, तो आप लोग देखते रहिएगा। तो देखिएगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा सवाल में एलसीएम 12 ही होता है, इसमें कोई शक नहीं होता है। ज़्यादातर आप लोग देखिएगा कि एलसीएम जो होता है 12 होता है, तो 12 होता है, 12 होता है तो उसको हमको 6 ले लेना है, 12 होता है तो उसको हमको 6 ले लेना है। बस इसका ट्रिक आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखते रहिएगा कि हम आपको बीच ट्रिक कैसे दे रहे हैं। तो हमको निकालना है √2, √3, √4 में सबसे बड़ा कौन हो, जो यूट्यूब के इतिहास में सबसे पहली बार है। तो आप लोग देखते रहिए। तो हम लोग √2 को 2 मान लेंगे, तो हमको 6 से गुना करना है, तो 6 से गुना कर देंगे तो 12 हो गया। और इसमें देखिए √3 का मान, हम 3 हमको जो नहीं टूटेगा उसको ज्यों का त्यों लिखना है, तो 3 × 3 = 9 हो गया, 9 × 6 = 12 हो गया, 54 हो गया, 54 हो गया। और ये देखिए इसमें √4 का मान हमको होता है 2, √4 का मान होता है 2 और 4 से गुना कर दिए तो 8, 8 × 6 कर दिए तो 8 × 6 = 48 हो गया। तो इस तरह से सबसे बड़ा कौन है, तो 54 है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। तो YouTube के इतिहास में सबसे पहली बार हम आपको बीच ऐसा ट्रिक देने जा रहे हैं दिए, जो आपको बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। तो हमारे चैनल को बहुत फैलाइए, तो सभी दोस्तों के पास आपको पहुँच जाए कि ऐसा ट्रिक से इस क्वेश्चन को आप लोग को हल करना है। तो बहुत ही बारीकी से आप लोग समझिएगा, तो ही आपको इसको समझ में आएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला 7वां क्वेश्चन है कि एक हॉस्टल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, 300 लड़कियां और एडमिशन ले लेती हैं, तो अनुपात जो है 5:2 हो जाता है, तो एडमिशन के बाद कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसको हम ट्रिक के मदद से बनाएंगे कि पहले अनुपात जो था हमारा 3:2, जो गर्ल था ये बॉय था, तो अब अनुपात जो है 300 और गर्ल जो है 300 गर्ल और एडमिशन ले ली तो 5 रह गया और बॉय 2:2 ही रह गया। तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अब परिवर्तन हुआ तो गर्ल में, तो हमको देख रहे हैं कि +2 वृद्धि हो रहा है, तो +2 बराबर हमारा दिया हुआ है 300 हो गया, तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा 150। टोटल छात्रों की संख्या कह रहा है, तो टोटल छात्र गर्ल है 5 और बॉय है 2, तो दोनों हम जोड़ देते हैं तो हमको हो जाता है 7। तो हम 7 × 150 अगर हम करते हैं, 7 × 150 करते हैं तो हमको 1050 जो आ जाएगा टोटल छात्र, टोटल स्टूडेंट हमारा 1050 आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आपको हल मिला। तो चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि किसी राशि का 2 वर्ष का 10% की ब्याज की साधारण ब्याज की दर से 500 रुपया है तथा समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसका ट्रिक भी हम आपको बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का हल बताएंगे कि जो आर है जो 10% है, आर जो है 10%, समय है 2 वर्ष, जब ऐसा आप लोग के बीच आए जो ब्याज है, ब्याज हमको दिया हुआ है 500 है, और इसका आपको चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकालना है, तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, तो इसमें और इसका 5% आप जोड़ दीजिए और आपको कुछ नहीं करना है। तो हम आपको इसको आपको परसेंटेज का बहुत ही आसानी से नो कॉपी नो पेन से मदद से आपको परसेंटेज निकालने के लिए बताए थे। तो इस 500 का 5% कितना होगा, तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसका हाल बता सकते हैं कि इसका 25 होता है, तो 500 में 25 जोड़ दीजिए, 525 हो जाएगा इसका आंसर, 525 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप लोग बहुत ही आसानी से नो कॉपी नो पेन से आप मदद से आप लोग बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है 9वां क्वेश्चन है जो रेलवे बैंक के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने संपूर्ण माल का 1/3 भाग को 10% हानि पर बेच देता है, यदि वह कुल मिलाकर 10% लाभ ले तो वह कितना में बेचेगा, कितना परसेंट उसको लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को बहुत ही आसानी से आपको समझ लेना है, तभी इसको हल करना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको इसको क्वेश्चन को पढ़कर ही हल करना है कि एक व्यापारी अपने संपूर्ण माल का 1/3 भाग को 10% की हानि पर बेच देता है, वह कितना प्रतिशत लाभ
पर बेचेंगे उसको कुल मिलाकर 10% का लाभ हो, तो हमको 1/3 कह रहा है, एक बटा तीन को 10% की हानि हो जा रहा है उसको, तो हानि हो गया। तो संपूर्ण माल कितना है, तीन है, उसको एक भाग पर उसको 10% का हानि हो रहा है, तो एक अनुपात बराबर हो जाएगा 3। लिख लीजिएगा कि एक पर 10% की हानि हो रहा है, टोटल कितना है, तीन है, तो एक में तीन घटा देंगे तो दो, तो दो भाग को हमको अभी पता नहीं है, तो हमको यहाँ पर एक्स लगा लेंगे, तीनों में एक्स लगा लेते हैं तो हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक जोड़ दो बराबर तीन। तो पहले भाग पर हमको 10% के हानि हो रहा है, तो हम -10 कर लेते हैं, और टोटल भाग पर हमको 10% लाभ लेना है, तो टोटल भाग हमारा है तीन, टोटल भाग है तीन, तो इस पर 10% का हमको लाभ लेना है, तो हम लाभ ले लिए +10 में, तो हमारा यहाँ हो गया -10x/2x बराबर हो जाएगा 30x, हमारा हो जाएगा प्लस में 30x। तो हम चलते हैं 2x/30x +10x, हमारा इतना हो गया, तो 2x बराबर हो गया 40x, तो x बराबर हमारा हो गया 20, जो हमारा 20% संपूर्ण माल पर वो जो बचा हुआ माल पर, बचा हुआ 2x जो है, बचा हुआ माल पर हम 20% अगर आपको लाभ लेते हैं तभी हमारा ये संपूर्ण हल होगा। तो इस तरह से बहुत ही शॉर्ट तरीका से आप लोग बनाइएगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से आपको इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इसी तरह हम अपने वीडियो का लास्ट सवाल लेकर बीच आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा ताकि हमको आपको आगे देते रहे, आगे आपको बीच वीडियो आपको प्रोवाइड हम कराते रहें, तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि ए से बी तक एक कार को 60 किलोमीटर घंटा के चाल से जाती है और 90 किलोमीटर घंटा के चाल से आती है, तो औसत ज्ञात करें। तो ये सवाल बहुत ही कॉमन है, सभी एग्जाम में आते रहता है, तो इस क्वेश्चन को आपके बीच हम बहुत ही सरल तरीका से आपके बीच बनाने जा रहे हैं। तो इसका सूत्र आप लोग को अगर नहीं याद होगा तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा कि 2xy/x+y इसका सूत्र होता है। तो हमारा यहाँ पर दो दिया हुआ है, जाता है 60 से और आता है 90 किलोमीटर से, तो आता है 90 से, तो हमारा x यहाँ पर 60 काम कर रहा है और y जो है 90 काम कर रहा है, तो हम x+y को जोड़ देंगे, तो 60 और 90 को हम जोड़ दिए तो हमारा 150 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 15 × 4 = 60 कैंसिल हो गया, तो 4 × 2 = 8, 8 × 9 = 72 हो गया, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो आएगा, तो उसका औसत चाल जो हो जाएगा 72 किलोमीटर घंटा के चाल से होगा। तो आप इस तरह से इस वीडियो को हम आज समाप्ति कर रहे हैं, तो हमारा आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप इस वीडियो में और क्या बढ़ाया जाए, क्या और आप लोग को सीख दिया जाए, तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर करते रहिए।